जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम समुद्री तापमान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समुद्री जल का तापमान किस प्रकार वेरी करता है, अगर हम देखें तो इक्वेटर से लेकर पोलर एरिया तक हम देखते हैं टेम्परेचर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और वो परिवर्तन किस तरह से होता है कि इक्वेटर के पास 12 महीने गर्मी रहती है, नतीजा समुद्र का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समुद्र का औसत तापमान लिया जाए तो सबसे ज़्यादा इक्वेटर के आसपास ही मिलता है, वो टेम्परेचर नियर अबाउट 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इक्वेटर के पास का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री के आसपास होता है। जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं इस तापमान में कमी आती चली जाती है। अगर यही चीज़ हम लगभग 20-22 डिग्री के पास जाकर देखें, थोड़ा सा और ऊपर निकल जाएं 20-30 डिग्री के आसपास, तो टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी। और ये टेम्परेचर लगातार कम होता चला जाता है समुद्र का। अब यहाँ एक चीज़ है कि रेगिस्तानी इलाकों के पास जस्ट पास में जो समुद्री बॉडी हैं छोटी छोटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लाल सागर है, रेड सी है, और इधर ये फारस की खाड़ी है ये वाली, इन क्षेत्रों में समुद्र का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये बहुत छोटी बॉडी हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी के समुद्र के एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा होता है 27 डिग्री। अगर हम 20 डिग्री ऊपर निकल जाएं, यानी कर्क रेखा के आसपास, और वहाँ का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे तो वो घट के कम रह जाता है, वो 22 ही डिग्री रह जाएगा। और ऊपर जाओगे तो 14 डिग्री के आसपास। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो लगातार टेम्परेचर घटता चला जाता है, इस तरह से टेम्परेचर में कमी आती चली जाती है। और पोलर एरिया पे जाओगे तो विशेष रूप से आर्कटिक ओशियन के आसपास जब पहुँचोगे तो यहाँ टेम्परेचर -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह जाएगा। इस तरह से लगातार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अगर भूमध्य रेखा से आर्कटिक ओशियन तक या पोलर एरिया की तरफ जाएं तो टेम्परेचर में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे टेम्परेचर लगातार घटता चला जाएगा। परीक्षा में प्रश्न होगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा, तो आंसर होगा घटता चला जाएगा। इक्वेटर टू पोल जाने पर टेम्परेचर लगातार घटता चला जाएगा, ये इसका आंसर है। यहाँ भ्रमित नहीं होना है हमें कि कर्क रेखा के आसपास बहुत ज़्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, ये बात सही है, वहाँ बढ़ेगा लेकिन छोटी वाटर बॉडी का बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, छोटी वाटर जो बॉडी होंगी जो कर्क रेखा के आसपास होंगी उनका टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा, लेकिन एज अ होल बॉडी की बात करें, होल वाटर बॉडी की बात करें, तो उसमें तो ये सारे भाग आ जाएंगे। तो एज अ होल टेम्परेचर हमेशा कैसा पाया जाएगा, एज अ होल टेम्परेचर हमेशा ऊपर की ओर जाने पर घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ भी तो आएंगी, जब सर्दियाँ आएंगी तो उस भाग में टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर पूरी पृथ्वी के समुद्र की बात करें तो आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या दक्षिणी गोलार्ध का, तो स्वाभाविक है उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्थिव क्षेत्र के संपर्क में समुद्र का जितना भाग रहेगा वो उतना ज़्यादा गर्म रहेगा। पार्थिव क्षेत्र ऊपर कितने परसेंट हैं, ऊपर पार्थिव क्षेत्र कितने प्रतिशत हैं, 39% है। समुद्री क्षेत्र 61% है, जबकि नीचे पार्थिव क्षेत्र ओनली 19% है। तो इसलिए नीचे के पार्थिव क्षेत्र समुद्र के संपर्क में, पार्थिव क्षेत्र नीचे चूंकि कम है इसलिए उनकी गर्मी का प्रभाव समुद्र पर कम होता है, जबकि ऊपर पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा है इसलिए उनकी गर्मी से समुद्र का तापमान ज़्यादा प्रभावित होता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध के समुद्र का औसत तापमान, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी गोलार्ध के समुद्र का औसत तापमान, ये आपका इक्वेटर है,
और उत्तरी गोलार्ध के समुद्र का औसत तापमान है 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दक्षिण में 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एवरेज है। उत्तरी गोलार्ध में समुद्र का औसत तापमान लगभग 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि साउथ में नीचे 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, क्योंकि ये पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा हैं, तो पार्थिव क्षेत्र की गर्मी का प्रभाव समुद्र के पानी पर होगा। जहाँ पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा होंगे उसके बाजू में अगर समुद्र है तो पार्थिव क्षेत्रों की गर्मी से समुद्र गर्म हो जाएंगे, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नीचे के गोलार्ध में औसत टेम्परेचर कम होता है। 2 से 3 डिग्री तक का फर्क पाया जाता है। ये एग्जैक्ट नहीं है 3 डिग्री, 2 से 3 डिग्री किताबों में लिखा रहता है, तो ऊपर वाला 18 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 डिग्री का फर्क तो रहता है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के समुद्र के तापमान में। और रही बात, एक हमने देखा कि इक्वेटर के आसपास समुद्र का तापमान लगभग 27 डिग्री तक पाया जाता है, इतना ज़्यादा समुद्र का तापमान है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये टेम्परेचर कम होता चला जाता है, और पूरा ऊपर से नीचे तक का इसका एवरेज लेंगे तो ये 18-19 के आसपास आता है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? ऐसे ही निचले भागों में जाओगे आप तो निचले भागों में भी टेम्परेचर तेज़ी से गिरता है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अक्षांशों के बढ़ते या घटते अनुसार टेम्परेचर में कितना परिवर्तन आता है, तो 1 डिग्री अक्षांश पर टेम्परेचर में आधा फारेनहाइट का फर्क आता है, आधा फारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? आधे से कम, क्योंकि फारेनहाइट की वैल्यू ज़्यादा होती है, डिग्री सेंटीग्रेड में उसी की वैल्यू कम पाई जाती है। डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना 0 से 100 डिग्री तक होता है, फारेनहाइट 32 से लेके 212 तक होता है, इसलिए फारेनहाइट की जो इकाई है वो देखने में बड़ी होती है लेकिन उसका वास्तविक मान छोटा होता है। तो हमने कहा अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि उच्च अक्षांशों में जाने से समुद्र के तापमान में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप कहोगे हर एक अक्षांश पर आधा डिग्री फारेनहाइट तापमान कम हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे लगभग आधा डिग्री फारेनहाइट कम हो जाता है, और ऐसे होते होते अंत में कहाँ पहुँच जाते हैं? -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आर्कटिक ओशियन का टेम्परेचर है। आर्कटिक ओशियन का टेम्परेचर -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड होते हुए भी वो जमता नहीं है, फ्रीज नहीं होता। उसका कारण है चूँकि वो खारापन है उसमें, और खारा पानी, खारे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री की तुलना में नीचे होता है। तो आर्कटिक ओशियन का के पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लगभग 2.5 डिग्री है। जब 2.5 डिग्री के नीचे टेम्परेचर -2.5, अगर -2.5 के नीचे टेम्परेचर गया तो आर्कटिक ओशियन भी जम जाएगा, लेकिन आर्कटिक ओशियन का टेम्परेचर -1.8 डिग्री से कम नहीं हो पाता, इसलिए आर्कटिक ओशियन नहीं जमता है, ये इसका कारण है। तो दूसरी ओर नीचे आएँ तो नीचे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का तापमान लगातार गिरते हुए -90 के नीचे चला जाता है, और इतने टेम्परेचर पर तो कैसा भी खारा पानी हो जम जाएगा, इसीलिए ये पूरा जमा हुआ है। आप देखिए अगर आप कुल्फी जमाते हो घर में और फ्रिज में आसानी से न जमे तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो जम जाएगी, थोड़ा सा नमक डाल दो तो कुल्फी बढ़िया जम जाएगी आपकी, क्योंकि नमक डालते ही मेल्टिंग पॉइंट उसका नीचे चला जाएगा माइनस में, और माइनस में मेल्टिंग पॉइंट जाएगा तो कुल्फी बहुत नीचे लो टेम्परेचर पर जमेगी। अब लो टेम्परेचर अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, या कुल्फी में नमक मत डालो, कुल्फी जिस पात्र में रखी है उसमें नमक डाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बर्फ़ के टुकड़े किसी कंटेनर में रख दो, कुल्फी वाले देखे हैं आपने बाज़ार में, वो जब ठेले को धक्का मारते हैं तो वो कुल्फी के कैप जिस बॉक्स में डले रहते हैं, डूबे रहते हैं, उस बॉक्स के अंदर खड़खड़ की आवाज़ आती है ना, उसमें बर्फ़ भरी रहती है, आइस टुकड़े
उसमें डले होते हैं और साथ में नमक घुला रहता है उसके अंदर। तो जैसे ही नमक घुलते हैं तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, नीचे तक चला जाता है। नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसमें, तो मेल्टिंग पॉइंट -22 तक चला जाता है। और ऐसे में कुल्फी में चाहे कुछ भी मिला दो तो भी कुल्फी जम जाएगी। कुल्फी को जमने के लिए -15 के नीचे का टेम्परेचर चाहिए। आपके घर में रेफ्रिजरेटर में प्रायः ये टेम्परेचर उत्पन्न नहीं हो पाता। आजकल बड़े बड़े आने लगे हैं, बात अलग है, लेकिन घरेलू जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनका टेम्परेचर -10 से -15 तक होता है। तो अगर कई बार हम देखते हैं कि बाज़ार से हम कुल्फी ला के अपने फ्रिज में रखते हैं तो ढीली पड़ जाती है, भले ही वो दिन भर रखी रहे तो अभी उसमें वो कठोरता नहीं आती जो बाज़ार में फ्रीजर में रखी हुई कुल्फी में होती है। उसका कारण यही है कि हमारे फ्रिज में उतनी दम नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम घर में कुल्फी जमा लें तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है आपको, बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, उन्हें एक पात्र में रखिए और पात्र में नमक डाल दीजिए। जैसे ही नमक डालोगे तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा, -22 तक चला जाएगा। कुल्फी क्या, कुल्फी का बाप भी जम जाएगा, सारे जम जाएंगे बहुत आसानी से। तो ये जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे उस समय ये चीज़ आएगी, तब आपको बताएंगे बहुत डिटेल में। तो यही चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि जब समुद्र के पानी में खारापन होता है तो आसानी से जमता नहीं। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में चूँकि समुद्र बहुत खुला हुआ है, पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, इसलिए टेम्परेचर लगातार गिरता चला जाता है और निचले भागों का टेम्परेचर -90 के नीचे पहुंच जाता है। और नीचे यहाँ पार्थिव क्षेत्र हैं, पार्थिव क्षेत्र जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, तो ये पार्थिव क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा पाया जाता है। तो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या कारण है उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर, उत्तरी ध्रुव का टेम्परेचर दक्षिणी ध्रुव के टेम्परेचर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कारण है कि उत्तरी ध्रुव पर समुद्र यानी पानी और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक क्या है, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है। महाद्वीप यानी पार्थिव क्षेत्र है, और पार्थिव क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठंडे अगर पार्थिव क्षेत्रों को ठंडक मिले तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो यही कारण है कि ये वाला भाग बहुत ठंडा है। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न आए कि सबसे ठंडा ओशियन कौन सा है तो कौन सा बोलोगे आप? सबसे ठंडा ओशियन सदर्न ओशियन, ये वाला ओशियन सदर्न ओशियन। पांच पढ़े थे ना कल, उनमें सबसे गर्म कौन सा, तो इंडियन ओशियन, ये सबसे गर्म है। इंडियन ओशियन सबसे गर्म है और सबसे ठंडा सदर्न ओशियन है। सदर्न ओशियन सबसे ठंडा क्यों है? क्योंकि सदर्न ओशियन चारों तरफ से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के संपर्क में है, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर -90 के नीचे चला जाता है क्योंकि ये पार्थिव क्षेत्र है। तो -90 के नीचे जब चला जाएगा तो उसके आसपास का जो समुद्र होगा वो स्वाभाविक है उसकी ठंडक से प्रभावित होगा, इसलिए इसका टेम्परेचर सबसे कम पाया जाता है। क्लियर है? तो सबसे ठंडा समुद्र ये हो गया सदर्न ओशियन। और अगर सदर्न ऑप्शन में नहीं है तो आप आर्कटिक ओशियन को लगाओगे। क्लियर है? तो सबसे ठंडा ओशियन, और सबसे गर्म ओशियन कौन सा? इंडियन ओशियन, क्योंकि इंडियन ओशियन अर्ध महासागर है, आधा महासागर है, और इसका भी मैक्सिमम पार्ट पार्थिव क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा गर्म होता है बजाय कि अन्य के। अगर हम अटलांटिक की बात करें तो अटलांटिक ऊपर और नीचे ठंडे भाग से प्रभावित है, ठंडी जलधाराएं इधर से भी प्रवेश करती हैं, ऊपर से भी प्रवेश करती हैं, इसलिए ये उतना ठंडा नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार पैसिफिक की बात करें तो पैसिफिक भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें भी नीचे और ऊपर से ठंडी धाराएं आ जाती हैं। लेकिन अगर क्षेत्र विशेष की बात हो कि क्षेत्र विशेष में कौन सा ओशियन सबसे गर्म है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा ओशियन का टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? इक्वेटर पर। और इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा खुला भाग, सूर्य की गर्मी के सामने सबसे ज़्यादा खुला भाग किसका? पैसिफिक ओशियन का। इसलिए पैसिफिक ओशियन का ट्रॉपिकल जोन जो होता है वो सबसे गर्म होता है। पूरे ओशियन में पैसिफिक ओशियन का ट्रॉपिकल जोन सबसे गर्म होता है, केवल अगर एक छोटे भाग की बात की जाए तो। अन्यथा अगर केवल इतना पूछा जाए कि किस भाग में सबसे गर्म है तो आप कहेंगे इक्वेटर के आसपास सबसे गर्म है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही ये पूछा जाता है कि कौन सी वाटर बॉडी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा हॉट, सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट है, सबसे ज़्यादा गर्म है,
तो उनमें आपको दो वाटर बॉडी याद रखनी है, एक रेड सी और एक दूसरी कौन सी है, फारस की खाड़ी। अब देखिए आप, ये रेड सी, ये इधर सहारा मरुस्थल, इधर अरब का मरुस्थल, दोनों के बीच में है रेड सी, इसलिए गर्म होता है। इधर फारस की खाड़ी देखिए आप, फारस की खाड़ी ये काफ़ी हद तक लैंडलॉक्ड है, दूसरा छोटी वाटर बॉडी है बजाय रेड सी के। तो जितनी छोटी वाटर बॉडी होगी, लैंडलॉक्ड होगी, उसके गर्म होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर विश्व में सबसे गर्म वाटर बॉडी की बात की जाए तो आंसर है फारस की खाड़ी, ये सबसे ज़्यादा गर्म है। सेकंड नंबर पर रेड सी आता है। दोनों का टेम्परेचर 1920 है, 41 डिग्री के आसपास होता है, 40-41 के आसपास ही दोनों का टेम्परेचर पाया जाता है, ये हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर किसी का नहीं होता, ठीक है। तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर किस बात पर निर्भर करता है, टेम्परेचर इस बात पर निर्भर करता है कि वाटर बॉडी कितनी ज़्यादा खुली हुई है, ओपन है, इस बात पर निर्भर करता है। दूसरी बात, मतलब सूर्य का प्रकाश कितना ज़्यादा मिलता है। टेम्परेचर इस बात पर निर्भर करता है कि जो वाटर बॉडी है वो पृथ्वी के किस भाग में है। अगर वो निम्न अक्षांशों में है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उच्च अक्षांशों में है तो टेम्परेचर कम होगा। अगर वाटर बॉडी ज़्यादा जब पार्थिव क्षेत्रों से घिरी हुई है तो गर्मियों में उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सर्दियों में उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा, उल्टा प्रभाव भी होगा क्योंकि पार्थिव क्षेत्र जल्दी ठंडे होते हैं। तो ऐसे रिलेटेड प्रश्न अगर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इनका जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात, समुद्र में कुछ समुद्री भाग ऐसे होते हैं जो अपेक्षाकृत नीचे हैं, समुद्र का जो तल है सामान्य तल उससे भी नीचे पाए जाते हैं, ऐसे भी समुद्री क्षेत्र हैं। तो ऐसे समुद्री क्षेत्रों पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता सूर्य का, नतीजा क्या होता है कि वो अपेक्षाकृत ठंडे ही बने रहते हैं। जैसे डेड सी, डेड सी की क्या विशेषता है कि वो सामान्य समुद्र तल से नीचे है, एक गड्ढे में है बसा हुआ है डेड सी, एक गड्ढे में भरा हुआ पानी है और वो गड्ढा भी नीचे है, निचले भाग में है। इसलिए डेड सी पर, चूँकि डेड सी कहाँ है, इज़राइल के आसपास है, इज़राइल के आसपास गर्मी अच्छी खासी पड़ती है तो वहाँ वाष्पीकरण अच्छा होता है। तो जो चीज़ घाटी में होती है उसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, जो चीज़ खुले में होती है उसका टेम्परेचर हमेशा कम होता है। जिसका मुंह खुला होगा रेडिएशन आसानी से हो जाएगा तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी चीज़, और जिस जो अंदर होगी घाटी में नीचे की तरफ वो आसानी से उसके रेडिएशन नहीं होते इसलिए वो गर्म रहता है। तो डेड सी गर्म है और निचली घाटी में है। तो परिस्थितियों वश जैसा पार्थिव क्षेत्र है, जिस तरह के सराउंडिंग से घिरा हुआ है जलीय जो वाटर बॉडी है, उस हिसाब से उसका टेम्परेचर प्रभावित होता है। तो विद्यार्थियों, हमने ये टेम्परेचर पढ़ने की कोशिश की है, इस आधार पर अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हो कौन सा समुद्र ज़्यादा गर्म है और कौन सा ठंडा है। हमने ये देख लिया कि समुद्र के सतह पर अगर हम हॉरिजॉन्टल आगे पीछे चलें तो सतह का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर हॉरिजॉन्टली किस तरह से डेविएट करता है, ये हमने पढ़ लिया। अब अगली स्टडी में हम ये देखना चाहेंगे कि समुद्र के टेम्परेचर में डेप्थ के अनुसार किस तरह का परिवर्तन होता है। तो अगर हम समुद्र के अंदर जाएं, सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच सकता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समुद्र के अंदर सूर्य का प्रकाश लगभग 200 सेंटीमीटर की गहराई तक जाता है, इसीलिए समुद्र के टेम्परेचर पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव केवल 200 मीटर तक होता है। 200 क्या सेंटीमीटर बोला क्या मैंने, 200 मीटर है ना, 200 मीटर सॉरी। तो समुद्र में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर तक जा सकता है, इसीलिए समुद्र के पानी का तापमान 200 मीटर तक ही लगभग स्थिर अवस्था में होता है, इसके नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता। सूर्य के प्रकाश को समुद्र का पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। समुद्र के पानी पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो समुद्र के पानी से सूर्य का प्रकाश न सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है बल्कि उसमें अंदर एक तरह से देखा जाए तो उसका रिफ्रैक्शन भी होता है, अंदर भी प्रवेश करता है, रिफ्रैक्ट होता है।
रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, अंदर भी प्रवेश करता है। प्रकाश किरण जितना ज़्यादा राइट एंगल पर गिरेगी, पूरी की पूरी प्रकाश किरण समुद्र के अंदर चली जाएगी, और अगर वो एक निश्चित एंगल पर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कम पार्ट उसका एब्जॉर्ब होगा। तो यही कारण है कि पोलर एरिया में चूँकि सूर्य का प्रकाश तिरछा जाता है, इसीलिए मैक्सिमम प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो समुद्र में प्रवेश कर ही नहीं पाता। लेकिन जितने भी ट्रॉपिकल जोन हैं वहाँ समुद्र सूर्य का प्रकाश लगभग सीधा पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम प्रकाश एब्जॉर्ब हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ समुद्र का पानी गर्म हो पाता है। तो समुद्र के पानी के गर्म होने में इस बात पर निर्भर करता है कि इन डेप्थ सूर्य का प्रकाश सीधा आ रहा है या तिरछा आ रहा है। तो अगर सूर्य का प्रकाश लगभग हम मानते हैं कि सीधा आ रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? वो 200 मीटर तक। 200 मीटर के नीचे नहीं जा सकता, तब तक पूरा प्रकाश एब्जॉर्ब हो चुका होता है। और जैसे ही 200 मीटर के नीचे की बात करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर में एकदम से बदलाव आता है। ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है विद्यार्थियों, इस ग्राफ पर आप देखेंगे ये 200 मीटर की लाइन है। तो समुद्र में अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं डेप्थ के अनुसार, यानी वर्टिकली टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आते हैं, तो 200 मीटर तक समुद्र के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। आप देख रहे हैं कि सरफेस पर 24 डिग्री टेम्परेचर है और 200 मीटर नीचे जाने पर भी लगभग 24 के आसपास है, थोड़ा मोड़ा 19-20 कम होता है, तो लगभग वहीं बना रहता है। उसके बाद टेम्परेचर में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये डाउनफॉल लगभग कहाँ तक देखने को मिलता है? इस डाउनफॉल की जो गहराई है वो मैक्सिमम, मतलब जो सबसे ज़्यादा अगर अंतर हमें देखने को मिलता है, तो वो अंतर है 1000 मीटर के आसपास। मैक्सिमम जो गिरावट आती है वो 1000 मीटर के आसपास आती है। 1000 मीटर तक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है और ये टेम्परेचर घट के 4 और 8 डिग्री के बीच में आ जाता है लगभग। इसके बाद फिर टेम्परेचर में आगे चलकर हम देखते हैं गहराई चाहे कितनी भी ले जाओ आप, टेम्परेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अंततः अगर हम 7000 मीटर की गहराई में भी पहुंच जाएं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर अभी भी यहाँ 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मतलब समुद्र की गहराई में, तलहटी में 7000 मीटर भी नीचे जाओगे ना, तो भी टेम्परेचर 0 के नीचे नहीं जाता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए कि समुद्र अपनी तलहटी में मिनिमम कितने टेम्परेचर को प्राप्त कर सकता है। तो समुद्र की तलहटी में टेम्परेचर 0 के ऊपर ही रहता है, 0 के नीचे नहीं जाता। और टेम्परेचर में गहराई के साथ होने वाला परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है 1000 मीटर के नीचे। 1000 मीटर के आसपास जो टेम्परेचर होता है विद्यार्थियों, यहाँ ये टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री के आसपास होता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसके बाद टेम्परेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। 1000 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक नीचे आए, टेम्परेचर अभी भी 1 से 2 डिग्री के बीच में बना हुआ है। तो इस बीच में डाउनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम डाउनफॉल मिला वो कहाँ से कहाँ तक मिला? वो 200 मीटर से लेकर और 1000 मीटर के बीच में टेम्परेचर कितना गिरा? 24 डिग्री से गिर के 6 डिग्री तक पहुँच गया। तो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल जिस रेंज में आता है, जिस गहराई में आता है, उस गहराई को, गहराई में पाए जाने वाली लाइन को थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोक्लाइन एरिया से आप क्या समझते हो? थर्मोक्लाइन जोन किसे कहते हैं? थर्मोक्लाइन जोन किसे कहते हैं? थर्मोक्लाइन जोन समुद्र के अंदर 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच का एरिया है। समुद्र की गहराई में 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच का वह क्षेत्र जिसमें समुद्र के तापमान में बहुत तेजी से गिरावट देखी जाती है, उस क्षेत्र को थर्मोक्लाइन जोन कहते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र की गहराई में 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच में समुद्र का तापमान लगभग, अगर ऊपरी सरफेस पर 22 डिग्री है, 24 डिग्री है, ज़रूरी नहीं है इसमें 24 दिखाया तो 24 ही हो, समुद्र के किसी भी भाग में अलग अलग टेम्परेचर होता है सरफेस पर। तो ये इन्होंने एक आइडियल कंडीशन ले ली है कि 24 डिग्री मान लिया ऊपर है, तो वहाँ से जैसे ही गिराना शुरू किया है
तो गिराते हुए कहाँ तक पहुँच गए, 1000 मीटर की गहराई में, यानी 800 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 24 से घट के 6 डिग्री रह गया। तो सबसे तेज़ी से टेम्परेचर घटा, इसका मतलब इस बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। याद कीजिए, मैंने प्रेशर ग्रेडियंट आपको पढ़ाया था। प्रेशर ग्रेडियंट में क्या था, कम दूरी में ही जो आइसोबार लाइन हैं उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जब कम डिस्टेंस में अगर प्रेशर तेज़ी से घटे या बढ़े तो हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट कम या ज़्यादा है। जब कम डिस्टेंस में टेम्परेचर तेज़ी से घटे या बढ़े तो हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत तेज़ी से घट या बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, इसको कहते हैं ताप प्रवणता। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि समुद्र के किस भाग में ताप प्रवणता सर्वाधिक होती है, समुद्र के किस भाग में ताप प्रवणता यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन में जब दिए रहेंगे तो ऑप्शन में ये लिखा रहेगा थर्मोक्लाइन जोन। थर्मोक्लाइन जोन में ताप प्रवणता यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है तो आप कहेंगे इस बीच में समुद्र के ताक का तापमान ऊपर 200 मीटर से लेके 1000 मीटर के बीच में बहुत तेज़ी से घटता है और 6 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इसके बाद 1000 से नीचे आने पर 7000 मीटर नीचे आने तक भी टेम्परेचर में 6 डिग्री से घट के लगभग 1 से 2 डिग्री तक नीचे टेम्परेचर पहुँच पाता है, इसके नीचे टेम्परेचर नहीं आता। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि समुद्र के बॉटम में तली में भी टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये जाना कि समुद्र का तापमान गहराई के साथ कैसे फ्लक्चुएट होता है और सरफेस पर किस तरह से फ्लक्चुएट होता है। दोनों चीज़ों को हमने समझ लिया, सरफेस पर भी और गहराई पर भी। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये समुद्र के तापमान की हमने बात की, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों की बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं समुद्र के खारेपन की, कि समुद्र का खारापन क्या होता है।